मौसमी बीमारियों के सीजन में प्रदेश में जहां चिकित्सा विभाग के अफसर विभिन्न जिलों का दौरा कर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं सुधारने की कवायद कर रहे हैं, उसी क्रम में आज चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने अल सुबह SMS हॉस्पिटल के आउटडोर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मौसमी बीमारियों के रोगियों के उपचार की व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं उन्होंने लापरवाही पाए जाने पर एक फार्मासिस्ट को निलंबित करने और निर्धारित समय पर आउटडोर से अनुपस्थित पाए गए 15 वरिष्ठ चिकित्सकों को 17 सीसी की चार्जशीट देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर नहीं होने पर 51 चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए। राठौड़ ने धनवंतरी आउटडोर में जाकर चिकित्सकों के कक्षों का जायजा लिया। मौके पर ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए चिकित्सकों के बारे में पूछताछ की। आउटडोर में मौजूद चिकित्सकों द्वारा अनुपस्थित चिकित्सकों के राउंड पर होने, ऑपरेशन थिएटर में होने या मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने आदि के बारे में जानकारी मिलने पर चिकित्सा मंत्री ने खासी नाराजगी जताई। निर्धारित समय पर आउटडोर में रहने के निर्देश दिए। मंत्री ने अपने दौरे के समय BPL दवा काउंटर पर खड़े रोगियों से भी जानकारी ली। वहीं मरीजों को सुगमता से दवा मिल सके इसके लिए 11 दवा काउंटर बढ़ाने के भी निर्देश दिए। राठौड़ ने OPD समय पर मरीजों का उपचार नहीं करते पाए जाने पर 15 वरिष्ठ चिकित्सकों को चार्जशीट देने के भी निर्देश दिए। वहीं उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर नहीं मिलने पर 51 चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। साथ ही चिकित्सा मंत्री ने 1 नवंबर से सभी चिकित्सक और स्टाफ की हाजिरी बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीन से कराने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में मौसमी बीमारियों के कहर के चलते सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने आज सवाई मानसिंह अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आउटडोर में डॉक्टरों को अनुपस्थित पाया। इसके चलते उन्होंने 51 डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस और करीब 15 से ज़्यादा डॉक्टरों को चार्जशीट दिए, एक फार्मासिस्ट को भी निलंबित कर दिया है। चिकित्सा मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी डॉक्टर अनुपस्थित पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौसमी बीमारियों को लेकर के सरकार की चिंता इस मामले में साफ नजर आ रही है। अनिल सिंह चौहान, पत्रिका TV, जयपुर।